नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। गर्मी का मौसम आ गया है, ऐसे में गर्मी के मौसम के आते ही घर में पंखे, कूलर, एसी, फ्रिज का इस्तेमाल तो धड़ल्ले से होता ही है, साथ ही साथ बिजली का बिल भी उसी तेजी से बढ़ता जाता है, जिससे आम आदमी इसी उलझन में उलझे होते हैं कि गर्मी से बचो या फिर बिजली का मोटा बिल भरे। लेकिन इन सब के बीच अगर आपको ये पता चले कि आपकी बिजली का बिल आधा हो सकता है, तो आप भी जरूर सुनना चाहेंगे कि आखिर कैसे। गर्मी के मौसम में पंखा, कूलर, एसी, फ्रिज का इस्तेमाल भी करते रहें और बिजली का बिल भी ना बढ़े, ये तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हालांकि अभी आपको भी मेरी इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यकीन मानिए, ऐसा सच में हो सकता है। हालांकि इसके लिए आपको बस थोड़ा सा बदलाव करना होगा। बदलाव के साथ ही आपकी गर्मी से राहत के साथ ही आसानी से पूरा ये मौसम कट जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प ट्रिक्स के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आपका बिजली का बिल भी नहीं बढ़ेगा और आप आसानी से एसी, कूलर, पंखे का भरपूर इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर आप भी गर्मी के मौसम में एसी और कूलर की ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको घर की छत पर सोलर पैनल लगवा लेना चाहिए। सोलर पैनल के जरिए बनने वाली बिजली से आप घर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक आइटम्स को आसानी से चला सकते हैं। इससे बिजली के बिल में बढ़ोतरी नहीं होती और गर्मी का मौसम ठंडक भरे माहौल में आसानी से बीत जाता है। भारत में गर्मी और धूप का सितम बहुत तीव्र होता है। बिहार में भी इस बार की गर्मी मार्च महीने से ही रुलाने लगी है। साथ ही सोने पर सुहागा वाली बात तो ये है कि बिहार सरकार वैसे ही घर घर में सोलर प्लांट लगाने को बढ़ावा भी दे रही है। ऐसे में ये विकल्प बिहार के लोगों के लिए बेहद ही खास साबित हो सकता है, जिसे सिर्फ एक बार का खर्च आता है। इतना ही नहीं, आपके बिजली के बिल को बढ़ाने में बल्ब और लाइट भी बेहद ही अहम योगदान निभाते हैं, जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है। अगर आपके घर में ज्यादा वॉट के बल्ब लगे हुए हैं, तो वो अत्यधिक बिजली की खपत करते हैं, उसकी ही वजह से बिजली का बिल ज्यादा आता है। ऐसे में अगर आप अपनी बिजली के बिल को कम करना चाहते हैं, तो आप अपने घरों में LED लाइट्स और बल्ब का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बल्ब बहुत ही कम बिजली का खपत करती है और लंबे समय तक चलती है। बाजार में 5-स्टार रेटिंग वाले LED बल्ब भरे पड़े हैं, जिनका उपयोग करने से आपका बिजली का बिल कम आएगा। इसके साथ ही आप ये भी कोशिश करें कि आप अपने घरों में ट्यूबलाइट को कम जलाएं, क्योंकि ट्यूबलाइट भी ज्यादा बिजली की खपत करती है। इसलिए आप उसकी जगह पर CFL बल्ब का यूज कर सकते हैं, जो ट्यूबलाइट की तरह ही रोशनी देता है और कम बिजली का खपत करते हैं। इसके साथ ही अगर आप गर्मी के मौसम में सीलिंग और टेबल फैन का इस्तेमाल करें, तो वैसे ही बिजली के बिल में काफी हद तक कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ये उपकरण AC या कूलर के मुकाबले कम बिजली की खपत करते हैं। ऐसे में ही आप सुबह और शाम के समय AC और कूलर के इस्तेमाल करने के बजाय सीलिंग और टेबल फैन को चला सकते हैं, जिससे बिजली का बिल कम आता है। इसके साथ ही गर्मी में आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि अगर आप AC का इस्तेमाल करते हैं, तो टेम्परेचर एक नियमित डिग्री पर सेव रखें, क्योंकि AC का अनियमित टेम्परेचर बिजली बिल को ज्यादा खाता है। ऐसे में अगर आप बिजली के बिल को बचाना चाहते हैं, तो 25 डिग्री पर इसे सेट कर दें, तो उसकी वजह से बिजली की खपत कम होती है। इसके साथ ही ये ध्यान रखें कि अगर आपके घर में फ्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखा जाए कि उसके आसपास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद ना हो, क्योंकि इसकी वजह से फ्रिज सामान्य से ज्यादा बिजली की खपत कर सकता है। इसके साथ ही कोशिश करें कि आपकी फ्रिज सूर्य के डायरेक्ट रोशनी के संपर्क में भी आने से बचे और अत्यधिक गर्म खाना फ्रिज के अंदर रखने से परहेज करें, क्योंकि इससे कंप्रेसर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ही बिजली का खपत भी अधिक होता है और बिल भी बढ़ जाता है। ऐसे में अब अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो यकीनन गर्मी के मौसम में बिजली का बिल 50% तक आपका कम आ सकता है। इसके अलावा दिन के उजाले में घर की रोशनी जलाने से परहेज करें, साथ ही दिन के उजाले में लाइट्स को ना जलाए, यही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसके साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद ही लाभकारी साबित हुआ होगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।